हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक लेख सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है सबसे बड़ा दान। तो शुरू करते हैं। उफ, आज फिर से देरी हो गई। मीता बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकली, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उसे समय पर वो काम याद आ गया। दान देने के लिए आटे की एक एक किलो की 5 पोटलियाँ भी तो रखनी थी। उन्हें उठाकर कार तक पहुँची थी कि बॉस का फोन आ गया। वही रोज की झिकझिक, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आज ही चाहिए, ये फाइल वो फाइल। मिता को कार चलाना पसंद था। उसका अपना एक निजी छोटा सा कमरा ही तो था ये कार। उसने गियर बदलने शुरू किए और फिर FM चैनल भी, पर हर चैनल पर सिर्फ एक ही विज्ञापन आ रहा था। मूड ऑफ हो गया। सिग्नल पर पहुंचते कोई ढंग का गाना शुरू नहीं हुआ। वहाँ भीख मांग रहे बच्चे उसकी कार से कोसों दूर रहे। वैसे तो रोज कोई ना कोई हाथ में गंदा कपड़ा लिए शीशे साफ करने आ जाता, और आज वो भी कोई नहीं आया। सभी बच्चे दूर नजर आ रहे थे। मीता ने गाड़ी का हॉर्न बजाया, फिर शीशा खोलकर हाथ से इशारा किया, लेकिन किसी बच्चे ने कोई ध्यान नहीं दिया। मीता अब खींच रही थी। फिर कुछ सोचकर उसने अपने हाथ में आटे की एक पोटली ली और उसे गाड़ी के बाहर झुलाया। अब सब बच्चे तेजी से उसकी कार की तरफ आ रहे थे। उसने जल्दी से सबको एक एक पोटली थमा दी। बच्चे अब अपनी अपनी पोटली दबाकर भांप रहे थे कि पोटली में क्या होगा। इतने में सिग्नल भी हरा हो गया। मिता ने कार को आगे बढ़ा दिया। तभी अचानक लाल टी शर्ट पहने पोटली लिए एक बच्चा भागकर गाड़ी के पास आया, और वह हंस रहा था और हाथ हिला हिलाकर उसे बाय बाय कर रहा था। बिजली की तरह की एक खुशी की लहर मिता के दिमाग पर छा गई, जिसने कुछ देर पहले खीज और उदासी के क्षण को धो दिया। उस बच्चे की हंसी ही थी उस सिग्नल पर दिया गया सबसे बड़ा दान। तो किस प्रकार से मिता जन कल्याण के कार्य करते हुए अपने दिमाग पर छाई हुई उदासी को दूर करते हुए और गम टेंशन को दूर करते हुए। और आपको अगर ये लेख पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसा कुछ और मटेरियल डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।